खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। उमेश कुमार ने हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। इनमें कुछ शादियां मुस्लिम समुदाय के लड़के लड़कियों की भी कराई गई। हरिद्वार जिले भर से पहुंचे दूल्हा दुल्हन सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे हैं। मीडिया से बात करते हुए उमेश कुमार ने बताया कि वे लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल करके उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे लोगों को कोर्ट से फटकार पड़ी है। वहीं सामूहिक विवाह के आयोजन से शादी करने वाले कई दूल्हा दुल्हनों और उनके परिजनों ने विधायक के प्रयास की सराहना की है। विधायक जी ने जो काम कराया, शादी करा के इन्होंने बहुत अच्छा करा है। उनका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। काफ़ी फैमिली को सपोर्ट मिला अच्छे से, क्योंकि काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली होती है और कोई नहीं कर पाता इतनी अच्छी तरीके से शादी। तो उन्होंने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ऐसा करा, बहुत शुक्रिया करता हूँ। काफ़ी फैमिली सपोर्ट मिला इसके लिए। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हरिद्वार की जनता को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा और हरिद्वार शहर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ना होते तो शायद इतना सफल कार्यक्रम ना होता। 50,000 लोग लगभग अपेक्षित है एट ए टाइम। आप देख सकते हैं 10,000-15,000 की भीड़ चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और जो है हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 60 जो हैं वो 56 जो हैं वो मुस्लिम कन्याएं जिनका निकाह जो है सराय में जो मदरसा है वहाँ कराया गया, और जो हमारी हिंदू कन्याएं, क्योंकि 121 हैं जो हमारी हिंदू कन्याएं, उनके लिए जो वेदियां आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर उनका विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। और मुझे तो आशा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे और मेरे लिए खुशी के पल भी। एक जब भी बड़ा काम करते हैं शादी होती है निकाह और ये फेरे वेरे हिंदुओं की मुसलमानों की शादी बढ़िया करते हैं जी। खाना पीना सब बहुत बढ़िया जी। संविधान देश पे सारा बहुत बढ़िया करा दी उन्होंने विधायक जी ने। ये सब पता मिला लड़के वालों को, पता मिला था लड़के वालों ने हम पे खबर करी। उनको विधायक जी बहुत बढ़िया वह कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वह सहयोग दे रहे हैं उसके मामले में, या शादियों में गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं इस मामले में।